दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह, आज बात करेंगे देश के सांसद की, जहां चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं पूरे देश के, उस भवन की बात करते हैं जिसने ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। काउंसिलिंग हाउस के रूप में इनको नाम दिया गया था, लेकिन इसका डिजाइन करने के बाद 6 साल में ये तैयार हो गया था। 1921 से लेके 1927 तक इसका मुकम्मल काम हुआ था, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसमें विधान परिषद का काम करती थी। लागत लगभग 83 लाख रुपए बताई जा रही है। सो आज की सांसद की बात करें जिनको 28 मई को उद्घाटन होना है। राजनीतिक दलों और विपक्ष दलों की घेरे में मोदी जी हैं। क्या कहा विपक्ष ने, और बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के रहे सहयोगी रेल मंत्री भाजपा सरकार में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब नए भवन की जब शुरुआत करने जा रहे हो, सांसद भवन की, उसकी लागत आपने अंदाजा लगाया है, लोगों को बताया है। उन्होंने मीडिया से सवाल करते हुए कहा क्या जरूरत थी भवन की, क्या वो भवन चल नहीं रहा था, और देश को कर्जदार करने में आपका मुख्य रोल रहा। उन्होंने बड़ी बातें कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इस पे बहुत बड़ी रकम लगाई गई है, करीब 862 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। नए भवन का 28 तारीख को इनका उद्घाटन होना है। अब नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्या वो विस्तार से बता रहे हैं। और भाजपा का सहयोगी रहा हुआ नीतीश कुमार आज बागी तेवर कैसे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे भी कहीं होता है ये बात, तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का, जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चाहिए। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का, जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल हैं, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे, आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं, देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल, ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज है, तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच देखा कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे किस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। आ इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। हाँ वो तो आप सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है ये बात, तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए, तो इसलिए आप अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी?
आप देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं।